Assalamu alaikum students, good afternoon. I hope you all will be safe and healthy. So, जैसा कि आप लोगों को पता है कि during the recent times of the pandemic हम classes जो हैं उनमें नहीं जा सकते, तो जिस वजह से ये online classes जो है इसका start किया है रिफा इंटरनेशनल कॉलेज हरबंसपुरा ने. तो उस सिलसिले में आज जो है वो हम अपनी जो पहली क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो ये जो लेक्चर है ये मेरा रिकॉर्डेड होगा, ये जब आप सुनेंगे तो इसे आप जो है वो अच्छी तरह जो है वो पूरा एक दफ़ा जो है उसे गो थ्रू हो जाइएगा. उसके बाद जो है ड्यूरिंग द टाइम जब आप जो आपका क्लास का टाइम है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 3 PM हम जो है वो ऑनलाइन रहेंगे. उसमें ऑनलाइन होते ही आपने पहले जो है ये लेक्चर आपने सारा सुनना है, और उसके बाद जो है मैं भी मीनवाइल ऑनलाइन रहूँगा. उसके बाद मीनवाइल जो है हम आपस में जो है वो एडमोडो पे, जैसा कि आप उससे अब आई होप कि अब आप उससे फेमिलियर हो गए होंगे, हम उस पर जो है अपनी फर्दर जो है डिस्कशन है वो करेंगे. और अगर कोई आपकी क्यूरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर जो है उसे हम सॉर्ट आउट कर लें. चलिए जी, हम अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, विच इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स. और ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसकी जो आपके पास आउटलाइन है दैट इज़ आज जो हम कवर करेंगे उसमें इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा, देन थर्मल रेडिएशन और स्टीफन बोल्ट्ज़मैन. ठीक है, दीज आर द टू आउटलाइंस विच वी आर गोइंग टू कवर in today's lecture. So first we come to the thermal radiations. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि radiations जो हैं हमारे इर्द गिर्द जो है वो हर वक्त मौजूद रहती हैं. If we talk about seeing कि हम ये जो देखते हैं चीज़ों को वो भी radiations की वजह से ही होता है. Light is a form of radiations. Light जब किसी भी object के ऊपर fall करती हैं तो उधर से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती हैं, तो हमारी आईज के अंदर उसका इमेज बनता है उस ऑब्जेक्ट का. तो बेसिकली जो ये जो सीइंग है, जो देखना है, दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फिनोमेनन. सिमिलरली आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब हॉट होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो जितना ज़्यादा हॉट होता जाएगा वो उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेगा. और अगर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो चमकना शुरू कर देता है, और इस कंडीशन को आप इनकैंडेंसेंस कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर जो है उसके अंदर देख रहे हैं, ये आग आपको जलती हुई नज़र आ रही है. तो इसका टेम्परेचर जो है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब किसी भी मटीरियल का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वो इनकैंडेंसेंस की जो है वो कंडीशन में चला जाता है, यानी कि वो जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है. ठीक है जी, सो दिस इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. ठीक है, तो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्लो करना शुरू कर देते हैं. सिमिलरली जो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें हीट की वजह से जो रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही होती हैं, बेसिकली दोज रेडिएशंस आर टर्म्ड एज थर्मल रेडिएशंस. और आपको पता है कि ये वर्ड है थर्मल, दिस इज़ रिलेटेड टू हीट. तो टेम्परेचर की वजह से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो रेडिएशन एमिट होंगी दोज विल बी टर्म्ड एज द थर्मल रेडिएशंस. तो अब इसमें जो हर बॉडी है, कोई भी जो बॉडी है वो रेडिएशन एमिट कर रहा होता है और रेडिएशन अब्जॉर्ब भी कर रहा होता है, यानी कि दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो एट द सेम टाइम जो है वो हो रहे होते हैं. रेडिएशंस अब्जॉर्ब भी हो रही होती हैं बॉडी में, रेडिएशंस एमिट भी हो रही होती हैं. इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अगर किसी कोई भी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के मुकाबले में ज़्यादा है तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा, और अगर उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के मुकाबले में कम है तो वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा. रेडिएशन अब्जॉर्ब करने का मतलब है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो रेडिएशन अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा और एमिट कम करेगा, और अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन जो हैं वो एमिट ज़्यादा करेगा और अब्जॉर्ब कम करेगा, यानी कि
emission of absorption both are carrying on at the same time. और आपको पता है कि अगर कोई हॉट बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा हो, तो जब वो रेडिएशन एमिट कर रहा होगा तो उसकी रेडिएशन एमिट करने की सूरत में उसका जो टेम्परेचर है दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. और आपके पास एक स्टेज ऐसी आती है विच इज़ टर्म्ड एज द थर्मल इक्विलिब्रियम, कि जिसमें रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है दैट बिकम सेम, यानी कि जितनी रेडिएशन बॉडी एमिट कर रहा होता है उतनी अब्जॉर्ब कर रहा होता है. एंड दैट हैपन्स विद when the temperature of the body and the temperature of the surrounding that becomes equal. ठीक है, तो उस केस में आपके पास ऑब्जेक्ट जितनी रेडिएशन एमिट कर रहा होगा उतनी ही रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा होगा. एंड दैट कंडीशन विल बी टर्म्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम. एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल रिमेन कॉन्स्टेंट. तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो डेफिनेटली जितनी इमिट कर रहा है उतनी अब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो बॉडी है उसके टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा. मोर ओवर एज वी हैव स्टडीड के कोई भी जो बॉडी है जब रेडिएशन अमिट कर रहा होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेडिएशन अमिट कर रहा होता है ड्यू टू हीट, दोज आर टर्म्ड एज द थर्मल रेडिएशन. तो थर्मल रेडिएशन जो है वो एक ही आप कह लें कि जो टेम्परेचर है उसकी नहीं होती, बल्कि सॉरी एक ही टेम्परेचर कह रहा हूँ, एक ही वेवलेंथ की किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट नहीं हो रही होती, बल्कि डिफरेंट जो वेवलेंथ हैं उनकी रेडिएशन एमिट हो रही होती हैं. एज यू कैन सी इन दिस फिगर जिसमें एक ग्राफ शो किया गया है जिसमें लॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास जो है वो इंटेंसिटी है, इसे आप जो है वो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जो है इस ये भी जो है आप कह सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है आपके पास वेवलेंथ है. तो आप देखें कि ये जो प्रोला ग्राफ है दैट इज़ फॉर द 5500 केल्विन टेम्परेचर विच इज़ इन द ग्रीन कलर. तो इस ग्राफ में जो है आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो है वो आपके पास जो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है तो आपके पास जो है वो एनर्जी भी बढ़ रही है, फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी आएगी जिसके ऊपर जो एनर्जी है दैट विल बिकम मैक्सिमम एंड देन द एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. और जहाँ पर अगर आप देखें तो जो लॉन्ग एक्सिस है हमारे पास वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ जो है वो वेरी कर रही है. तो ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम आ रहा है इस तरह का दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. तो बेसिकली जो थर्मल रेडिएशन हैं उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है दैट इज बेसिकली अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. एंड एट अ सिंगल वेवलेंथ अ बॉडी इमिट्स रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है जी, नाउ वी मूव फॉरवर्ड. सिमिलरली द रेडिएशंस एमिटेड बाय अ हॉट बॉडी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द टेम्परेचर बट ऑल्सो ऑन द मटीरियल ऑफ द बॉडी, इट्स शेप एंड नेचर ऑफ द मटीरियल. ठीक है जी, कि कोई भी जो हॉट बॉडी है जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा है सबसे प्राइमरीली तो इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा. और यही जो है ये पिछले ग्राफ में जाहिर भी था. ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें टेम्परेचर ये 4500 एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो आप देखें तो जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेडिएशन जो है बॉडी वो ज़्यादा एमिट करेगा. सो द रेडिएशन विल नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर बट ऑल्सो द मटीरियल ऑफ द बॉडी. ठीक है जी, तो ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा. जो प्रीवियस ग्राफ है दैट इज बेसिकली शोइंग द डिपेंडेंसी ओनली ऑन द टेम्परेचर, बट द रेडिएशन द एमिटेड रेडिएशन विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ द बॉडी, के जिस बॉडी से रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो किस मटीरियल का बना हुआ है, मोर ओवर उसकी शेप क्या है और उस मटीरियल जो है उसकी नेचर क्या है आपके पास. ठीक है, नेचर ऑफ द मटीरियल्स मीन्स के उसकी जो सरफेस है आपके पास वो किस तरह की है, वो रफ है आया दैट इज पॉलिश सरफेस. इसको जो है हम ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि एट 2000 डिग्री एट 2000 केल्विन अ पॉलिश्ड फ्लैट टंगस्टन फिलामेंट एमिट्स रेडिएशंस ऑफ एट द रेट ऑफ 23.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर.
तो ये आपके पास जो है उसकी इंटेंसिटी है और उसका एमिशन का रेट है फॉर द टंगस्टन। ठीक है जी। सिमिलरली अगर यही जो है इस सेम सरफेस के लिए जो है आपके पास पॉलिश सरफेस के लिए सेम टेम्परेचर पे फॉर द मोलिब्डेनम अगर आपके पास मटेरियल जो है वो चेंज हो जाता है तो उसकी अगर आप देखें तो जो रेट की वैल्यू है दैट इज दिस रेट इज बेसिकली अ रेडिएशन रेट। इट इज 19.2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो दो डिफरेंट मटेरियल्स हो गए, सेम टेम्परेचर हो गया, सेम सरफेस हो गई, बट इट विल हैव डिफरेंट। सो इट विल हैव ए डिफरेंट रेट। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो रेडिएशन रेट है दैट इज़ नॉट सेम फॉर लाइक द रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी नॉट सेम फॉर द डिफरेंट मटीरियल। अगर आपके पास मटीरियल चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपके पास जो रेडिएशन है वो भी चेंज होगी। सिमिलरली द रेडिएशन रेट इंक्रीजेज इफ़ द सर्फेस इज रफन। तो इसमें जो रफ सर्फेस है उसकी उसका जो रेडिएशन रेट है दैट इज मोर एज कम्पेयर टू द पॉलिश सरफेस। ठीक है जी। तो सरफेस रफनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा बॉडी रेडिएशन सेट कर रहा होगा। अच्छा जी, ये तो आपके पास बातें होगी नॉर्मल हॉट बॉडी के। इसके अलावा एक और जो बॉडी है विच इज़ टर्म्ड एज अ ब्लैक बॉडी और विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ कैविटी रेडिएटर। इट इज़ बेसिकली अ बॉडी विच अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन। ठीक है जी। तो यूजली ये होता है कि अगर कोई भी जो बॉडी है उसके ऊपर जब रेडिएशन फॉल कर रही हैं तो कुछ वो रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा या मिट कर देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह का बॉडी है जो कि अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है तो दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज अ ब्लैक बॉडी और अ कैविटी रेडिएटर। और जो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है यूजली जो है जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशन फॉल कर रही हैं वो सारी की सारी एजेंसी हैं वो आपके लिए के जो उसके ऊपर फॉल कर रही हैं वो सारी की सारी ऑब्जॉर्व कर ली, वो कोई ना कोई रेडिएशन एजेंसी है वो एमिट भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है। सो इफ़ वी वॉन्ट टू मेक आइडियल ब्लैक बॉडी तो आप किस तरह बना सकते हैं कि आप एक जो है एक लें ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कैविटी यू कैन सी, और इसके अंदर एक स्मॉल होल हो। तो इसमें जब रेडिएशन इसके अंदर एंटर होंगी तो एंटर होके वो इसके अंदर से जो सरफेस है वो भी हो रिफ्लेक्ट। तो अंदर से जो है अगर आप इसको लैम्प ब्लैक कर दें, ठीक है जी, तो आपको होता है कि जो ब्लैक कलर है दैट इज़ अ वेरी गुड अब्जॉर्बर। तो क्या करेगा कि इसकी जो सरफेस है उससे रेडिएशन से रिफ्लेक्ट तो होंगी लेकिन चूंकि वो रिफ्लेक्ट होकर जो के अंदर ही रहेंगी तो वो अंदर ही जो है वो सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जाएंगी रेडिएशन। तो इस तरह जो है आप एक स्मॉल एक ऑब्जेक्ट के अंदर कैविटी बना के उसके अंदर स्मॉल होल करके तो एक जो ब्लैक बॉडी है दैट यू कैन क्रिएट अ ब्लैक बॉडी। ठीक है जी। सो फॉर द आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएटर द स्पेक्ट्रम ऑफ द एमिटेड थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर रेडिएटिंग बट नॉट ऑन द मटीरियल नेचर सर्फेस साइज और शेप ऑफ द बॉडी। तो ये आपके पास एक कंडीशन है फॉर द आइडियल रेडिएटर्स। जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसमें जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा होता बल्कि वो मटेरियल उसकी सरफेस और उसकी नेचर और साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। बट दैट इज़ नॉट द केस फॉर द आइडियल रेडिएटर। फॉर द आइडियल रेडिएटर द रेडिएशन एमिटेड ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड सरफेस, ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड नॉट एनी अदर एंड नॉट ऑन एनी अदर फैक्टर। अच्छा जी, यही जो किसी भी बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं इसी के बारे में स्टीफन बोल्ट्समैन जो है इसने एक लॉ जो है वो प्रपोज किया था। एंड बिफोर गोइंग इनटू दैट आप एक टर्म को जो है हम एक डिफाइन करेंगे विच इज़ नोन एज द रेडिएंट इंटेंसिटी। इट इज़ बेसिकली द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवर ऑल द वेवलेंथ। क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सिर्फ एक ही वेवलेंथ इमिट नहीं हो रही होती बल्कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो इमिट हो रही होती हैं।
the energy emitted per unit area per unit time. So that is basically the radiant intensity, and it is represented by IT. The radiant intensity is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. ठीक है जी. तो किसी भी बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी कि टेम्परेचर अगर आप डबल कर देंगे तो टेम्परेचर अगर आप डबल कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रेडिएशन इंटेंसिटी है दैट विल इंक्रीज 16 टाइम्स बेसिकली. ठीक है जी, 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर देगी. और फर्स्ट भाई आपको पता कि जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन से रिप्लेस करते हैं तो आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड हेयर द कांस्टेंट इज सिग्मा. और ये जो सिग्मा है दैट इज बेसिकली नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10^-8 वाट पर मीटर स्क्वेयर केल्विन पावर 4. ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली फॉर द आइडियल रेडिएटर और द कैविटी रेडिएटर. लेकिन आपको पता है कि जो नॉर्मली जो हमारे जो हॉट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं दैट डू नॉट रेडिएट दैट दे डू नॉट रेडिएट एज द कैविटी रेडिएटर्स. तो इस केस में ये जो ऊपर वाला है रिलेशन, ये वाला आई टी इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, तो ये आपके पास जो है ये बन जाएगा आई टी इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा टी पावर 4. यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये हमने एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द लेस एफिशिएंसी ऑफ द रेडिएटिंग बॉडीज अदर देन द कैविटी रेडिएटर. और ये जो एप्सिलॉन है इट इज बेसिकली अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट इज कॉल्ड द एमिसिविटी ऑफ द मटीरियल. इफ वी टॉक अबाउट द कैविटी रेडिएटर, तो कैविटी रेडिएटर केस में इसकी वैल्यू 1 होती है. इसके बरक्स जो ऑर्डिनरी मटेरियल्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है. और ये जो है आपके पास एमिसिविटी, इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है जी. सो फॉर द आइडियल और द कैविटी रेडिएटर ये जो एमिसिविटी है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो आपके पास ये सेम रिलेशन जो है रिटर्न हो जाएगा. ठीक है. बट फॉर द नॉर्मल बॉडीज और ऑर्डिनरी बॉडीज इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. तो इसका मतलब है कि उनकी जो वो जो रेडिएशन एमिट करेंगे एज कम्पेयर टू द ब्लैक बॉडी दैट विल बी लेस रेडिएशन. ठीक है जी. सो इट इज ऑल अबाउट द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. सो नेक्स्ट वी कम टू द स्पेक्ट्रल रेडियंस. इट इज ऑल्सो अ टर्म विच इज which is basically gives us the value of the intensity over all the wavelengths. क्योंकि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक ही इंटेंसिटी की जो है वो वेवलेंथ मेट नहीं हो रही होती, बल्कि डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन मेट हो रही होती हैं. सो स्पेक्ट्रल रेडियंसी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज बेसिकली अ रेडियंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर. किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किसी यानी कि यूनिट वेवलेंथ के ऊपर जितनी रेडिएशंस जो हैं, जितनी रेडिएशन इंटेंसिटी है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द स्पेक्ट्रल रेडियंसी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर लैम्डा. लैम्डा मींस दैट दिस रेडियंसी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. मैथमेटिकली इट इज डिस्क्राइब्ड एज डी आई, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय डी लैम्डा. और यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये डी आई इज इक्वल टू आर लेमडा डी लेमडा के कुल आ जाएगा. ठीक है जी. तो इसका मतलब है कि ये जो आर लेमडा और डी लेमडा है इसका जो है प्रोडक्ट दोनों का, ठीक है जी, दैट विल गिव अस द टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है जी. तो इसको जो है हम मैथमेटिकली जो है अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है जी, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको होता है कि जब आप डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी. तो ओवरऑल जो इंटेंसिटी है आप वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. देन वी कम टू द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये इसी तरह का ग्राफ जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है जी. बेसिकली इट इज द सेम ग्राफ, ठीक है. इसमें सिर्फ वैल्यूज जो हैं थोड़ी सी हैं डिफरेंट.
इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जैसे जैसे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ये जो ब्लू वाला है दैट इज़ फॉर 3500, रेड जो है दैट इज़ फॉर द 3000, एंड ब्लैक जो है दैट इज़ फॉर द 2500 केल्विन टेम्परेचर के लिए। तो इसमें अगर आप देखें जैसे जैसे आपके पास जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो जो स्पेक्ट्रल रेडियंस है या आप कह लें कि जो इंटेंसिटी है वो भी आपके पास डिक्रीज कर रही है। द वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम, अब इसमें देखें ये जो लैम्डा मैक्सिमम है इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका मतलब है कि इट इज़ द वेवलेंथ एट विच द रेडियंस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लॉन्ग वाई एक्सिस है दैट इज़ बेसिकली गिविंग अस द रेडिएशन इंटेंसिटी। तो आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है दैट इज़ बेसिकली द लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है जी। द वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम एट विच द स्पेक्ट्रल रेडियंसी इज मैक्सिमम डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो ये जो है नज़र आ रहा है आपके पास कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है जी, ये देखें जी 2500, 3000, 3500, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये जो लैम्डा मैक्सिमम है दैट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड्स का मतलब है कि इट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लोअर वेव लेंथ। सो द वेव लेंथ लैम्डा मैक्सिमम डिक्रीजेज विद द टेम्परेचर। ठीक है जी। जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा ये आपके पास डिक्रीज करेगा। ठीक है जी। तो जो वेन है इसने ये प्रपोज किया था कि आपके पास यही जो लैम्डा मैक्सिमम है और जो टेम्परेचर है इसका जो प्रोडक्ट है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। इट मीन्स दैट लैम्डा मैक्सिमम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी। और ये जो कॉन्स्टेंट है इट इट हैज़ अ और इसने इसकी वैल्यू मेजर की थी 2898 माइक्रोमीटर कैल्विन। ठीक है जी। और यही जो रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्सिमम इज द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है जी। और ये जो वेन है इसको ये लॉ जो है और इसकी वजह से और इसकी जो थर्मल रेडिएशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इसको जो है वो नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था इन 1991। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है वो यहीं तक करेंगे। तो कल जो है इंशाल्लाह, सॉरी कल कह रहा हूँ, परसों जो है इंशाल्लाह जो इसका बाकी है जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी इसको आप जो है अच्छी तरह देख लें, और अगर इसमें कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो हम आगे फिर जो है वो इंशाल्लाह 1 बजे जो है वो हम इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे।